तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि विंटर के सीजन में हम अपने डॉग को मोटा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका डॉग मोटा रहता है, हेल्दी रहता है, तो क्या होता है कि आपको देखने में भी अच्छा लगता है और आप जब बाहर लेकर निकलते हो तो एक अलग सा इमेज आपका फॉर्म होता है। अगर आप दुबला पतला डॉग बाहर लेकर निकलते हो तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका डॉग बीमार है या देखने में खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि विंटर सीजन एक ऐसा मैजिकल सीजन है जिसमें कि आप अपने डॉग के बॉडी वेट को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। क्योंकि इस सीजन में बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स अवेलेबल हैं जो कि अगर आप अपने डॉग को देते हो तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेगा और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले बोलूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्टेड वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की इस लिस्ट में जो मैं 5 ऐसे वेजिटेबल्स बताऊंगा जो कि आपको विंटर के सीजन में अपने डॉग को दे सकते हैं और उसका रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा। अगर आपके डॉग का बॉडी वेट कम है तो वो बहुत जल्दी मोटा हो जाएगा, बहुत अच्छा हेल्दी दिखने लगेगा। मोटा होने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा, वो मोटा होगा बाय हेल्थ। उसके बॉडी में मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, वो बहुत अच्छा दिखने लगेगा। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो टॉय ब्रीड हो या लार्ज ब्रीड हो या जायंट ब्रीड हो, ये सब में ये डाइट मतलब एप्लीकेबल होगा। आप इस डाइट को अपने डॉग में यूज कर सकते हो। तो चलिए पहले सबसे पहले वेजिटेबल्स की मैं बात करूं तो वो सबसे पहला वेजिटेबल है पोटैटो। जी हाँ, पोटैटो आपको विंटर सीजन में जो भी रेड पोटैटो जो कि लाल आलू बोलते हैं, नया आलू होता है, वो डॉग अपने डॉग को दे सकते हो। 2-3 जैसे भी आपका डॉग डाइजेस्ट करता है उस हिसाब से आप उसे बॉइल करके दे सकते हैं, उसके फूड में ऐड कर सकते हैं। दूसरा है कैरेट। आपके मार्केट में विंटर सीजन में कैरेट बहुत ईजिली मिलता है जो कि रेड कलर का होता है। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा है ब्रिंजल कलर का भी, बैगनी कलर का होता है। आप कोई भी कैरेट दीजिए, उसे अच्छे से वॉश करके, उसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके या उसे डायरेक्ट भी खाने को दे सकते हो। उससे क्या होगा कि डॉग का डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी खाना दोगे वो अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, उसके पेट में बॉडी में फाइबर्स की कमी नहीं होगी। दूसरा, उसका टीथ स्ट्रांग रहेगा, उसके जो दांत होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। कैरेट में कैरेटीन पाया जाता है। कैरेटीन क्या करता है कि उसके जितने भी हेयर होते हैं उसमें साइन लाता है, उसके हेयर और उसके स्किन में पकड़ अच्छा बनाता है जिससे कि हेयर फॉल भी कम होता है। तीसरा है इसमें स्पिनच, जिसे आप पालक बोलते हो, जो कि ग्रीन कलर में अबूमन आपको मार्केट में मिल जाएगा। स्पिनच से क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा की परसेंटेज होती है, आयरन होती है। इससे क्या होता है कि डॉग के बॉडी में जो भी एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, जो भी डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि देखते हैं डेली टू डेली लाइफ में हम लोग के बॉडी में सेल्स मरते रहते हैं, नए नए डेवलप होते रहते हैं, डॉग के बॉडी में भी ऐसा ही होता है। तो आप जब स्पिनच देते हो तो डॉग के बॉडी में जैसे आई में शाइनिंग बढ़ जाता है, उसके टीथ का ग्रोथ बढ़ जाता है, फिर उसके हेयर के ग्रोथ बढ़ जाते हैं, जो भी ड्राई स्किन्स रहते हैं वो सब फिर से न्यू हो जाते हैं। वो कभी अगर कोई पहले इससे पहले उसे कुछ बीमारी हुई हो तो उससे रिकवर करने लगता है। स्पिनच बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, हम इंसानों के लिए भी और डॉग्स के लिए भी। चौथे नंबर पे आता है बीट रूट, जिसे हम चुकंदर कहते हैं। वो रेड कलर में आता है बीट रूट, उसे आप क्या कर सकते हो, वो भी कट करके, बॉईल करके या ड्राई भी अगर आपका डॉग ऐसे खाता है रॉ फॉर्म में तो आप दीजिए। उसे क्या होगा कि आपका डॉग बहुत ही इजीली डाइजेस्ट भी करेगा और उसके बॉडी में मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी थी वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगा। ये आपको विंटर सीजन में बहुत ईजिली अवेलेबल भी होता है और बहुत सस्ता मिलता भी है। आप इस चीज़ को अपने डॉग में ट्राई कर सकते हो। अगर आपका ये डॉग कैनल चलाते हो तो आप ये जो मैं अभी 5 वेजिटेबल्स बता रहा हूँ, आप ये सब मिक्स करके जो भी डाइट दे रहे हो उसमें आप ऐड करके अपने डॉग को दीजिए। ये डॉग को हेल्दी बनाकर रखेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि ये डॉग को सिर्फ हेल्दी बनाने के लिए, अगर आप अपने डॉग को स्पेशल किसी और चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो, जैसे उसे ट्रेनिंग दे रहे हो अलग से, उसे आप ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हो, तो ये कम्प्लीटली इससे डाइट उसका अलग होता है। जैसे हम इंसानों में भी जो इंसान पूरे दिन बैठे रहते हैं, नॉर्मल थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं, उनका डाइट अलग होता है। जो एथलीट्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, जो रनिंग ज़्यादा करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनका डाइट कम्प्लीटली अलग होता है। जो ऐसे लोग जो रेसलिंग करते हैं, जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, उनका डाइट उससे भी अलग होता है। तो इसलिए आप कभी ये मत समझिए कि ये डाइट से आपका डॉग बहुत ही ज़्यादा ब्रीडिंग में इंप्रूव हो जाएगा। इस डाइट से सिर्फ आपका डॉग हेल्दी रहेगा। अब मैं बात करूंगा पांचवें डाइट की, जो है पांचवा नंबर में टोमेटो। 90% डॉग्स में ऐसा देखा गया है, 90-95% डॉग्स में ऐसा देखा गया है कि डॉग्स को टोमेटो बहुत पसंद होता है, जिसे टमाटर बोलते हैं। आप बस एक चीज में ध्यान रखना है कि आपको हर हमेशा पका टमाटर देना है, जो कि टोटली रेड कलर का होता है। वो क्या होगा कि डॉग को डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। लेकिन आप कच्चा टमाटर देते हो जो कि ग्रीन कलर में होता है, उससे क्या होगा कि डॉग को इनडाइजेशन हो जाएगा, डॉग बीमार हो सकता है। इसलिए आप अपने डॉग के डाइट में जो भी देते हो, राइस देते हो, चपाती देते हो, कुछ भी देते हो, उसमें आप अपने डॉग को टोमेटो ऐड किया कीजिए।
इससे क्या होगा कि उसका पेट भी हर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, उसका डाइजेशन मेंटेन रहेगा और वो हर हमेशा हेल्दी रहेगा। तो बस आई होप आपकी इस आज के इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।